उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सपा पर निशाना साधते हुए केशव मौर्य ने कहा कि सपा और कांग्रेस एक दूसरे से अलग नहीं हैं। सपा गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है। पहले नारा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस पर बैठा है गुंडा। अब सब दल बदल चुका है। यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कानून के अनुसार अपराधियों को सजा दिलाई गई। सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के तीन यार मोहम्मद आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, हालांकि इनमें से दो चले गए, इन्हीं दो लोगों का साथ देने की वजह से सपा साफ हो गई। सपा का नारा था कि खाली प्लाट, खाली मकान, खाली दुकान हमारा। ज्ञात हो मुख्तार अंसारी की अभी हाल ही में मौत हो गई, जबकि अतीक अहमद की हत्या प्रयागराज में पिछले साल हो गई थी। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने राम के दर्शन ठुकरा दिया, जनता उनको ठुकरा देगी। सपा प्रमुख ने अपने विधायकों को रामलला के दर्शन नहीं करने दिए, इसीलिए उनकी पार्टी में अंतर्कलह हो गई। इसीलिए उनकी पार्टी के नेता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार का साथ दिए। सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह बयान देकर वह जिन वोटों की ओर देख रहे हैं वह उन्हें नहीं मिलेंगे, बीजेपी का कमल खिलेगा। ज्ञात हो इमरान मसूद मुसलमानों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।